से बाद में कूड़ा करके बचा था उसका। केवल सबको एकत्र करने के बाद अकेले कविता बनाई थी भगवान श्याम सुंदर ने। देखा कविता आ रही तो कन्हैया पूछने लगे तुम कौन हो। बताया मैं कंसराज की दासी उनके तिलक करने जा रही हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे दर्श के मेहमान तो हम ही हैं, क्या हम लोगों के तिलक करोगी। तो मनसुबा कहने लगा तिलक करवा तो ही गड़बड़ी हमारे घर चली है। ये चीज आंदर चला ना चले तिलक कर हुआ नहीं आई तो एक ही घूसा में सरदार बुला के पेट में पहुंचे। भगवान कन्हैया बोले तू मत कर भैया, हम तो तिलक लगवाए कुबजा तुम हमारी तिलक करो। कुबजा जो भगवान कन्हैया के तिलक करने के लिए आगे बढ़ी लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई। ऊंचा ऊंचा के रह जाती तो भगवान कन्हैया ने कुबजा के पैर पर अपना पैर रखा और दो उंगलियां थोड़ी सी लगा करके झटका दिया। भगवान कन्हैया के तिलक किया श्याम सुंदर कहने लगे कुबजा अब तुम जाओ। मनसुबा कहने लगा हाँ तुम्हें एक कंस के मेहमान के तिलक करवा लिया हो तो सब पीछे घूमने का यहाँ सब में काम है। अभी तो तू ये कह रहा था कि हम इससे तिलक नहीं कर पाए। अरे ठीक है लगाओ तिलक सबके तिलक करो। तो कुबजा सबके तिलक करती चली गई लेकिन मनसुबा बड़ा चंचल था। कुबजा ने जब तिलक किया तो मनसुखा कुबजा के कान में धीरे से बोला कुबजा तुम्हारी शादी हो गई या नहीं। कुबजा कहने लगी मनसुखा